दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, तो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स बराबर माइनस में दो इंटू में कितना है तीन प्लस एक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स को सेम लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस दो का गुणा तीन में करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा छह आ जाएगा, दो तीन कितना होता है छह। फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस और प्लस होता है माइनस, दो का गुणा एक्स में करेंगे तो ये आ जाएगा दो एक्स। अब इसके बाद ये देखना है कि दोनों तरफ क्या सेम मिल रहे हैं, यानी सेम संख्या किस तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पर माइनस में दो एक्स है, यहाँ पर भी माइनस में दो एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना है माइनस में छह है, यहाँ पर इसे अब लिख सकते हैं एस एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस में छह है, इस तरफ इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में छह इक्वल टू कितना, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर चर क्या है, चर क्या है यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है चर है। अब चर की अधिकतम घात देखनी है, तो समीकरण जो ये जो आया है समीकरण इसमें आपको क्या देखना है चर की अधिकतम घात। तो समीकरण समीकरण में चर की अधिकतम अधिकतम घात बराबर, अधिकतम घात कितना है यहाँ पर एक्स की घात कितना है दो है, तो घात बराबर कितना हो गया दो। यहाँ पर जब कभी घात दो आता है तो इसे ही कहते हैं क्या द्विघात समीकरण, अतः अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस तरीके से ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब